अब अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो समझाते समय मेरा ये बोलना कि भाई अपने आप को अलग कर दें और दूसरे को डाल दें, तो इसी को ही हिंदी में मत लिख देना, मतलब इंग्लिश में मत लिख देना, समझ में आया? दैट ही विल कीप हिमसेल्फ ऑन द लेफ्ट साइड एंड ही विल पुट अनदर पर्सन ओवर दिस पोजिशन एंड ही विल ओनली कॉन्टैक्ट टू द प्रिंसिपल. अगर ये लिखोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है मार्क्स मिलने वाले नहीं है. अब यहाँ पर वही बात को अच्छे से लिखा है. क्या लिखा है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे. वेर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज नेम्ड अनदर पर्सन देन सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट. He is known as what beta? Substituted. तो ऑब्वियसली बात है भाई, मैं नेम कर सकता था और उसने अपने बदले किसी और का नेम कर दिया, तो वो सब एजेंट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? Substituted. तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा. सर आप इसी तरीके से बोला करो. तो बेटा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जैसा बुक में दिया है अगर उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे. तो कुछ चीज़ें हमें वर्ड्स के बियॉन्ड जानी पड़ेगी. तो हो सकता है मेरे समझाते समय मैं हिंदी में कुछ और चीज़ें यूज़ करूं, बट आपको उसे क्या करना होगा दोस्तों, जो लिखने का तरीका है वो आपको मेन बुक से मिलेगा. तो आपको कोशिश ये करना है बातें मेरी याद रखें जो कि केस स्टडी में हेल्प करेगी आपको, बट जब लिखने की बारी आएगी तो एटलीस्ट आपको बुकिश लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा. और आप डिफरेंस देख रहे हो कि बुकिश लैंग्वेज और जो मैं बोल रहा हूं, तो मेरा आप बोला हुआ अगर आप हिंदी में लिख के आओगे तो लिटरली मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहां पे लिखने की एक अलग ही तरीके से उन्होंने वर्किंग की है. तो सर अब हम इसे कैसे याद करेंगे? तो मैं आपको बार बार समझाता हूं, हमेशा समझाता हूं कि जब आप लॉ को पढ़ें और आगे जा करके अब लॉ जैसे और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको थ्योरी में पढ़ने होंगे, लाइक ऑडिट है, लाइक EIS है, लाइक SM है, लाइक इको फॉर फाइनेंस है, तो इन सारे सब्जेक्ट का एक ही रामबाण है बेटा. अगर आप उस चीज को कर लोगे ना तो मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ आपको मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं जाएगी. थ्योरी विल बी डैम इजी थिंग फॉर यू. पहली चीज, क्लास में आपको बहुत मजा आएगा. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको क्लास में पूरे मजे दिलाऊं, आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आए. बट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब हम रीड करें, भले क्लास के अंदर जब रीडिंग चल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो जो पॉइंट ऐसा लगे कि यार सर ने ये एग्जांपल दिया था, तो ड्यूरिंग द रीडिंग, ड्यूरिंग नॉट माय एक्सप्लेनेशन बट ड्यूरिंग द रीडिंग, आपको वहां पर वो पॉइंट को लिख लेना चाहिए. भले हिंदी में लिख लो कि भाई कहानी बना के लिख दिया ड्यूरिंग माई रीडिंग, कि अच्छा जैसे मैंने आपको बोला था कि अपना नाम अलग करके या फिर वो अपने आप को अलग करके दूसरे का नाम देता है. अब ये लाइन अगर आपको लिखनी है, वहां पर स्टिक नोट चिपका है, ये लाइन को लिख दिया, बट ड्यूरिंग माई रीडिंग नॉट ड्यूरिंग माई एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हो सकता है एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर आप दोनों काम करोगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, जिस वजह से आप आधा ही सुनोगे आधा नहीं सुनोगे, तो वो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में प्रॉब्लम कर सकता है. दूसरी चीज, ड्यूरिंग योर होम रीडिंग आपको क्या करना चाहिए, अंडरलाइनिंग प्रोसेस आपको क्लास में करना ही नहीं चाहिए. अंडरलाइनिंग प्रोसेस अगर मैं कर रहा हूँ, मैं बोलूँ बेटा ये वर्ड को अंडरलाइन करो, ये वर्ड को या शब्द को अंडरलाइन करो, तो ही करो, नहीं तो घर जाओ. घर में पहली रीडिंग एक्टिव रीडिंग देनी पड़ेगी. उस एक्टिव रीडिंग में आपको ये नहीं सोचना है कि देखो बना तो पूरा है क्योंकि सर ने पढ़ा दिया, हमें समझ में आ गया, अपन ने बहुत बार रिवाइज कर लिया, अब है उस शब्द को उठाने की बारी. तो घर में जब जाके एक्टिव रीडिंग करोगे ना, तो एक्टिव रीडिंग कैसे होती है, एक्टिव रीडिंग ऐसे होती है कि भाई हमने उठा करके ये हमारे सामने ब्लैंक पूरा दिख रहा है, दिस इज वॉट ब्लैंक. अब ये अगर ब्लैंक दिख रहा है तो वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड आउट those words जिसको लिखने से आंसर तैयार हो जाएगा. तो आपको उधर में ना थोड़ी मेहनत, फर्स्ट टाइम घर पे रीडिंग करते समय थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप रीड करेंगे when an agent holding express or implied authority to name another person. मेरे को एक चीज अच्छी लगी, express or implied authority to name another person, बस मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी. अब यहाँ के आजू बाजू का मैं जोड़ लूंगा, ठीक है, मुझे बस एक लाइन याद होनी चाहिए, express or implied authority to name another person. Okay. Has named another person, then such person is not sub agent but an agent of the principal. बस मैंने हर एक लाइन में कुछ कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर लिया, पूरा रंग बिरंगा नहीं बनाना है, इतना ही करना है. अब मुझे तीन ही पॉइंट याद रखने हैं. पहला पॉइंट क्या याद रखना है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन, नेम्ड अनदर पर्सन, नॉट अ सब एजेंट बट अ एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल. आजू बाजू का मैं जोड़ लूंगा, जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा, when an agent holding an express or implied authority to name another person in an agreement has named another person by using such power,
बाई यूजिंग सच राइट, मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, बुक में नहीं है, ठीक है, अपन के दिमाग में तो चल ही रहा है, बाई यूजिंग सच राइट, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड इज नॉट अ सब एजेंट, ही विल बी टर्म्ड एज एन एजेंट फॉर द प्रिंसिपल, इन अदर वर्ड ही विल बी कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब आप मुझे बताए, मेरा आंसर मेरी बुक से डिफर है, ये मुझे भी पता है, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट था वो तो आ गया ना, और इज्जत इन्हीं पॉइंट्स की है, अपन को कौन सा लाइन बाय लाइन याद करना है, कौन सा, ऐसा थोड़ी ना एग्जामिनर बैठ करके एक एक शब्द बाय शब्द चेक करेगा, उसको मैगी मसाला मिलना चाहिए, समझ में आया, वो मसाला अच्छा होगा ना तो भाई वो ऑब्वियसली बात है आपको फुल मार्क्स देगा। अब आप इसी के बदले अगर आप ये लिख दोगे कि व्हेन वन पर्सन, ठीक है, कीप्स हिमसेल्फ असाइड, ठीक है, गिव्स द नेम ऑफ अनदर पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन कम्स टू हिज पोजीशन, ही गेट रिप्लेस्ड बाय दिस, आप ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। आप जब एक्सप्लेन करोगे तो आप मेरे लेक्चर को हिंदी में कन्वर्ट करोगे, वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको यहाँ पर जब भी आप लिखेंगे इस तरीके का पढ़ना है, और आज एटीट्यूड डालोगे ना, मैं बोल रहा तुमको इंटर में बिल्कुल टेंशन नहीं जाएगा। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हर बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, लेकिन जिन बच्चों ने सुना है ना, लिटरली दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन थियोरिटिकल एग्जामिनेशन, एज वेल एज उन्हें ना बहुत ही रिलैक्स्ड वे पे पढ़ा, मतलब वो खुद ही बोलते थे सर इसमें कुछ खास लग ही नहीं रहा है, आराम से हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द क्लास से उन्होंने वो आदत बनाई। आपके पास और समय है, आपको और अच्छी मेहनत करनी है, तो मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, अगर आपके पास समय है किसी रीजन से कि आप सिर्फ ग्रुप वन के स्टूडेंट हैं, आपके पास ज़्यादा प्रेशर नहीं, कुछ और नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा शॉर्ट नोट्स खुद के तैयार कर लो। भाई सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, जो जो आपने अंडरलाइन किया ना उसको आप एक कॉपी में लिख लो, बस खेल खत्म। तो होगा क्या, तुम्हारी एक समरी कॉपी तैयार हो जाएगी, पूरा जमाना बैठ करके ना आखिरी दिन पे जो एक दिन मिलता है ना उसमें बैठ करके मेरे पूरे पन्ने पलटा रहा होगा, सोचा होगा क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या करूं कैसे करूं, क्या याद रहेगा क्या नहीं रहेगा। तुम्हारे पास एक कॉपी बनी होगी जो तुम्हारी हैंड रिटन है, जिसमें जमाने भर की सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपने मेन मेन पॉइंट्स मैगी मसाले लिख रखे हैं उसमें, तुमको उठाना है मैगी मसाला पढ़ना है, ख़त्म, खेल, आपको पता है आजू बाजू का कर लोगे, अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस रखो, आगे आने वाला समय तुम्हें ट्रांसमिशन का समय है, आगे जाके आप बहुत ज़्यादा बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो, तो वो आजू बाजू का इतना आपके दिमाग में आ जाएगा, इतने मैच्योर्ड हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, बट मैगी मसाला जो है वो अपने पास होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक पर्सन जिसका अच्छा एम है ना, अच्छे मार्क्स लाना एम है, अगर बोथ ग्रुप दे रहा है ऑल इंडिया रैंक लाने का एम है, और सिंगल भी दे रहा है तो फिर छोटा एम क्यों रखना 40, 45, 50, कम से कम सिंगल दे रहे हो तो इज्जत बचाने के लिए 90 तो लाओ, 80, 85 तो लाओ, तभी तो मज़ा आएगा। तो वो करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट मेहनत ना आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएगी। आप समझो आज एटीट्यूड में डालना होगा, आज अगर वो दिन के शेड्यूल में नहीं गया ना तो अगले एक महीने के बाद कभी नहीं जाएगा, ये बात समझ लीजिए, फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट आपको होना चाहिए। तो एक शॉर्ट नोट्स की आदत डाल लो और एक एक्टिव रीडिंग की आदत, बस ये दो चीज़ कर लो, आपको बहुत मज़ा आएगा, थ्योरिटिकल कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, समझ में आ रहा है पक्का?